हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा आई हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत में बनाने वाला पनीर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 टमाटर को कट कर लिया है और 2 मिर्च इसमें रख दिए हैं बर्तन में। अब मैं इनको बॉईल करूँगी। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल हो गए अच्छे से। अब हमें इनको ठंडा कर लेना है और उसके बाद मिक्सी के जार में पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पनीर को कट कर लिया है। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था और मैंने शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है और टमाटर को पीस लिया है। मैं 2 चम्मच इसमें घी डालूंगी। मैंने एक कढ़ाई ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही मेरा घी गर्म हुआ, अब मैंने शिमला मिर्च को इसमें डाल दिया है। शिमला मिर्च को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक शिमला मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएंगी, हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च सॉफ्ट होने लग गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा चुटकी भर सैदा नमक डाल दिया था ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। हमारा घी गरम है। अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डालूंगी और 1 चम्मच मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ली है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने जो टमाटर पीस के रखे थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से चला चला के फ्राई कर लेंगे। मैंने 1 चम्मच सैदा नमक लिया है इसमें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें पनीर मसाला डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब हम इनको 5 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से ऑयल छोड़ने तक, सारे मसाले इससे अच्छे से पक जाए। अब मैंने इसमें पनीर डाल दिए हैं जो कट करके रखे थे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे फिर 5 मिनट ढका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, पनीर बिल्कुल बन के रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी यम्मी कलर आया है, कितना यम्मी यम्मी, खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, एक बार आजकल व्रत चल रहे हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब मैंने पनीर के साथ बनाया है बूंदी का रायता। ये मैंने आधा कप दही ली है और मैंने आधा कप इसमें बूंदी ली है और अब मैं इसमें आधा चम्मच सैदा नमक डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये भी व्रत में बनने वाला ही रायता बना रही हूँ, सैदे नमक से बना रही हूँ। और अब मैंने आधा कप इसमें पानी लिया है। अब मैं इसको चला चला के थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। और 1 चुटकी मैंने इसमें मिर्च पाउडर डाला है, 1 चुटकी मैं इसमें धनिया डाल ली हूँ जिससे इसका कलर और टेस्ट और भी ज्यादा यम्मी यम्मी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो व्रत में ये बनाया है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते तो आप व्रत के बाद जरूर बनाइए।